Hey guys, welcome to my channel Food Forever, मेरा नाम है मीत। आज हम देखने वाले हैं कि आप घर पर बड़े ही आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसा चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बना सकते हो। इसके पहले मैंने वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी अपलोड की थी जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आई थी, तो अगर आपने वो वीडियो को अब तक नहीं देखा तो उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आप मार्केट जैसा चॉकलेट आइसक्रीम घर पर कैसे बना सकते हो। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और मैं मेरे फेसबुक पेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 कप कंडेंस मिल्क। मैं पर होममेड कंडेंस मिल्क यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये देखना है कि घर पर कंडेंस मिल्क कैसे बनाया जाता है तो उसके वीडियो के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर हमें चाहिए 1 कप मेल्टेड चॉकलेट और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो पहले हम व्हिपिंग क्रीम को एक हैंड बीटर या हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है और अगर आपको परचेस करना है तो उसके परचेस करने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ व्हिपिंग क्रीम के रिलेटेड। तो पहली चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं करनी, हमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी है। तो व्हिपिंग क्रीम आपको किसी भी बेकरी स्टोर वगैरह में से आसानी से मिल जाएगी। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ये बहुत ही चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको व्हिपिंग क्रीम को कंटिन्यूसली बीट करते रहना होगा जब तक ये गाढ़ी यानी कि थिक नहीं हो जाती। ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है या नहीं ये चेक करने के लिए आप एक स्पैचुला या एक नाइफ के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लीजिए और फिर उसे फ्लिप कर लीजिए, और अगर फ्लिप करने के बाद वो तुरंत गिर जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं हुई है, तो उसे आपको थोड़ी देर और व्हिप करना होगा। जब क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए तब हम इसके अंदर 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर लेते हैं। फिर हम इसमें 1 कप मेल्टेड चॉकलेट और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पहले आपको इसे मैन्युअली मिक्स करना होगा, आपको हैंड बीटर को अभी ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे अभी ऑन करोगे तो जो सारा का सारा कोको पाउडर है वो आपके मुंह के ऊपर आ जाएगा। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए तब हम हैंड बीटर को ऑन कर लेते हैं और इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक सारी चीजें अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाती। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो चुकी है और हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बनके रेडी हो चुका है। तब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉको चिप्स ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको आइसक्रीम खाते खाते बीच में चॉको चिप्स का टेस्ट पसंद आता है तो आप चॉको चिप्स जरूर ऐड कीजिए। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ऐसे 1-2 बार टैप कर लेना होगा और फिर हम इसे क्लिंग रैप से कवर कर लेते हैं। ऐसा करने से आइसक्रीम के ऊपर बर्फ नहीं जमेगी। और फिर हमें इसे 8 से 10 घंटे तक फ्रीजर में रखना होगा। तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारा चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट, फ्लफी और काफी टेस्टी बना हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।